फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह और आज की वीडियो होने वाली है डेली एसआईपी के लेकर कि आप कैसे अपनी डेली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप कौन सा ऐप को यूज़ करना है, ठीक है, और क्या क्या प्रोसेस होती है जिससे आप अपनी डेली एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि आप अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं और उससे आप अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं लेके आया हूँ यहाँ पर डेली एसआईपी। ये क्या बहुत बढ़िया फीचर है, इसमें क्या कर सकते हैं आप डेली कुछ रुपए अपने इन्वेस्ट करके एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर आप गेन कर सकते हैं कुछ टाइम के बाद। तो आपको जो भी ऐप यूज़ करना पड़ेगा वो है आपका INDMoney मनी। अगर आपने अभी तक INDMoney मनी ऐप के बारे में सुना भी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। तो सिंपली आप वहाँ पर जाके वन क्लिक से आप वहाँ पर INDMoney ऐप में लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके आप अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए आपको कुछ डिटेल्स वहाँ भी डीमैट अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर अकाउंट ओपन कर लेना है। INDMoney है, जब अकाउंट ओपन होके आ जाएगा तो आपका कुछ ऐसे शो होगा, ठीक, यहाँ पर आपको पिन डाल लेना है। पिन डालने के बाद आप देख पाएंगे कि आपका कुछ ऐसे यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट प्राइस यहाँ पर देखने को मिलेगा और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक। तो आपका जब ऐसे फ्रंट पेज ओपन होके आ जाएगा उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे देखेंगे तो आपका यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन होके आएगा, उसके बगल में यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड, क्योंकि जो भी SIP होती है वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर में ही आती है। तो आपको सिंपल यहाँ का करना है म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने KYC को अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट नाउ पे क्लिक करके आप सबसे पहले अपने KYC को अपडेट कर लें, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने KYC को यहाँ पर अपडेट कर लिया। उसके बाद आप देख पाएंगे आपका ऐसे ओपन होकर आ जाएगा INDMoney पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिटर्न और रिटर्न परसेंटेज सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिख के आएगा माई फंड, अगर आपने अभी तक SIP की नहीं होगी तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिखेगा। एक्सप्लोर पे क्या है कि आपको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन कौन सी SIP हैं, वन टाइम स्टार्ट SIP, डेली SIP, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑर्डर्स में आपको यहाँ पर जो आपने SIP लगा दी होंगी वो यहाँ पर देखेंगी और वॉच लिस्ट में जो आपने वॉच लिस्ट बनाई होंगी वहाँ पर आपको देख सकते हैं। तो सिंपली आपको एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे आप लिखा हुआ म्यूचुअल फंड SIP। म्यूचुअल फंड SIP में आपको फर्स्ट मिलता है स्टार्ट SIP, सेकंड मिलता है वन टाइम और थर्ड मिलता है डेली SIP। सिंपली आपको क्या करना है, डेली SIP यहाँ पर क्लिक कर देना है। डेली SIP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलता है डेली सेविंग डेली SIP, ठीक। तो इसका जो क्या कहते हैं टेन्योर है वो क्या है, डेली आपको डेली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ऊपर आपको क्या है कुछ फंड देखने को मिल जाते हैं, जैसे इंडेक्स फंड हो गया, लार्ज कैप फंड हो गया, फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, ठीक। तो इनमें से आप जो भी आपको सही लगे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंडेक्स फंड में सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर पहले ही वाला यहाँ पर ये इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। जैसे देख पाएंगे मैंने आदित्य बिरला सन लाइफ 50 मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ में यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर इसका क्या दे रहा है, यहाँ पर इसका ग्राफ दे रहा है, यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर इसका NAV दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर आप इसके फंड के बारे में जो जानना चाहें तो आप पूरी जानकारी यहाँ पर से देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर SIP पे स्टार्ट है तो यहाँ पर मैं SIP पे क्लिक कर दूंगा। SIP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पाएंगे स्टार्ट SIP लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो SIP फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली ये करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और डेली नहीं है सेलेक्ट, वीकली है या मंथली है, तो यहाँ पर आपको सिंपली डेली यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, ठीक। तो देख पाएंगे SIP डेट 22 अगस्त 2024 यहाँ पर देख रही है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर 22, 23, 26, 27 मतलब किस तारीख को आपका SIP यहाँ पर स्टार्ट हो तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 22 तारीख दिया हुआ है तो उसमें ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं 100 रुपये से आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू टू इन्वेस्टमेंट में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या है, एक OTP आएगा आपके फ़ोन नंबर या और जीमेल पे, तो आप उसको यहाँ पर सिंपली फिल कर देना है। फिल करने के बाद आप देख पाएंगे अब यहाँ पर आपको ऑटो पेमेंट की यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक, पेइंग वाया फोन पे। तो यहाँ पर आप क्या करना पड़ेगा, आपको ऑटो पेमेंट सेटअप करना पड़ेगा। ये क्यों होता है, क्योंकि आपका 100 रुपये यहाँ पर डे कटेगा, तो पर डे कटेगा तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर ऑटो पेमेंट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर रोज पेमेंट तो करेंगे नहीं, तो एक बार आप अगर आप ऑटो पेमेंट लगा देंगे तो ऑटोमेटिक फोन पे या जो भी आप UPI ऐप यूज़ कर रहे हैं उससे 100 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पर कटना चालू हो जाएगा, ठीक। पे 100 रुपीज़ नाउ योर फर्स्ट SIP विल ऑटो पे विल बी स्टार्ट विथ अ मैक्स लिमिट ऑफ 100, ठीक। तो यहाँ पर पे पे क्लिक कर देंगे। अमाउंट टू पे 100 रुपये फ्रिक्वेंसी एवरी वर्किंग डे, मैक्स मैंडेड अमाउंट इज 100 रुपये। तो कंप्लीट ऑटो पे पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देख पाएंगे INDMoney ओपन फोन पे। तो यहाँ पर आपका फोन पे ओपन होके आ जाएगा। फोन पे ओपन होके आ जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है,
यहाँ पे अपना पिन डालना है, उसके बाद आपको ऐसे ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर देखा रिपीटेशन एनी टाइम, स्टार्ट डेट 10 अगस्त और एंड 31 दिसंबर 2050 तक के लिए आपका है। तो आप बीच में भी अगर आप कैंसिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे SIP कैंसिल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अमाउंट आप देख पा रहे हैं 100 रुपये। SIP जो पे अकाउंट है वो यहाँ पर देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं इससे पे करना चाहता हूँ यहाँ, अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज पे क्लिक करके आप दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेट ऑटो पे भी क्लिक कर दें। सेट ऑटो पे क्लिक करने के बाद आप अपने यहाँ पर पिन डाल दें। पिन डालने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, ऑटो पेमेंट सक्सेसफुल, आप हिस्ट्री पर जाके यहाँ पर देख सकते हैं आई एन डी मनी का ये हो चुका है पेमेंट। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, बैक जाएंगे आई एन डी मनी ऐप पे। ठीक, आई एन डी मनी ऐप पे आप जाएंगे, यहाँ पर देख रहा है आपको देखेंगे SIP रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, जो आपकी SIP वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। ठीक, यहाँ देखेंगे नीचे तो थोड़ा यहाँ पर टाइमलाइन जैसा दिख रहा है कि SIP रजिस्ट्रेशन 10 अगस्त को हो चुकी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10 अगस्त को पे हो गया था, एग्जीक्यूटिव NAV 12 अगस्त को मुझे क्या मिल जाएगी, NAV मिल जाएगी, यूनिट विल बी एलोकेटेड, BSE एस्टिमेटेड है 14 अगस्त को मुझे यहाँ पर जो भी यूनिट है वो यहाँ पर अलॉट हो जाएगी। तो मुझे 14 तारीख से यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगी, यूनिट्स मेरी देखने को मिल जाएंगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा 14 अगस्त को यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डेली SIP आईएनडी मनी की मदद से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो पैसा है वो ऑटोमेटिक डेली कटता रहेगा और आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको रेगुलरली यहाँ पर चेक करते रहना है कि कैसे जो अभी आपका म्यूचुअल फंड है वो कैसा वर्क कर रहा है। ठीक, तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में जो भी डेली SIP स्टार्ट करना चाहता हो या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता हो, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम ऐसे ही रिगार्डिंग स्टॉक या फिर स्टॉक मार्केट से रिगार्डिंग लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।